Hello everyone, this is Neha from Maths Classes. Students, in this video, we will solve a exercise 16A from RS AGGARWAL book. You can find these questions on page number 705. I am solving only that question which have been asked in your previous CBSE board exams. Okay, so our question number 9 is, a park is of the shape of a circle of a diameter 7 meter. It is surrounded by a path of width of 0.7 meter. Find the expenditure of cementing the path if its cost is 110 rupees per square meter. This question came in CBSE 2017, so it is important question. So students, watch the video till end for your better understanding. Okay, so students, what is given? We are given with a park in the shape of a circle. Okay, so first draw a figure. Okay, suppose this is the park. Okay, in the shape of a circle of diameter 7 meter. Okay, the diameter of the park is 7 meter. Suppose this is the center O of the circle. Okay, now it is the surrounded by the path of width 0.7 meter. Is park ke aas paas ek raasta bana hua hai jiska width kitna hai 0.7 meter hai. 0.7 meter is the width of the path surrounded around the circle. Okay, now students, yadi hame क्या निकालना है, यदि हम इस पर सीमेंटिंग कर रहे हैं, पाथ पे हम टाइल्स लगा रहे हैं, तो उसका हमें कॉस्ट पता करना है कि हम जब इस पाथ में टाइल्स लगाएंगे तो उसका कितना कॉस्ट हमें पड़ेगा. ओके, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया है, 110 रुपये दिया हुआ है. तो पूरा कंप्लीट पाथ पे हम जब सीमेंटिंग करवाएंगे तो हमें कितना कॉस्ट, हमें कितने रुपये देना होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. ओके, इस शेडेड पोर्शन का हमें एरिया निकालना है जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना कॉस्ट लगेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट द रेडियस ऑफ इनर सर्कल. ओके, इनर सर्कल और द पार्क. इनर सर्कल क्या बता रहा है आपका, पार्क बता रहा है. तो रेडियस पहले हम निकालेंगे कि पार्क का रेडियस कितना है. तो पार्क का डायमीटर दिया था आपको 7, तो 7/2. ओके, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 हमारा रेडियस होता है. सो रेडियस विल बी 3.5 मीटर. 3.5 मीटर इज द रेडियस ऑफ द पार्क. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल. ओके, आउटर सर्कल, ये आउटर सर्कल जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा. स्टूडेंट्स, अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना है, यहाँ तक का रेडियस है आपका 3.5 मीटर. ओके, सो 3.5 मीटर प्लस पार्क का विथ कितना है, जो रास्ते का विथ है सॉरी, वो कितना है, 0.7 मीटर है. सो 0.7 मीटर, सो अराउंड यू विल गेट योर 7 + 5 = 12, 4.2 मीटर. ओके, 4.2 मीटर इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पाथ. ओके, सो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ आउटर सर्कल. आउटर सर्कल में से हम इनर सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा. ओके, सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर. एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर. आउटर सर्कल का रेडियस कितना है, 4.2 मीटर है. ओके, सो व्हाट विल वी गेट हियर, 4.2 होल स्क्वायर. ओके, नाउ माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल, पाई आर स्क्वायर लेते हैं. इनर सर्कल का रेडियस आपको कितना है, 3.5 मीटर. तो 3.5 का होल स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द पाथ. एरिया ऑफ पाथ हम निकाल रहे हैं यहाँ से हम. ओके, सो पाई इज कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दैम, दैन व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट हियर 4.2 × 4.2 लिखा हमने से. पॉइंट हटाएंगे, टेन लगाएंगे, पॉइंट हटाए हमने, टेन लगाया यहाँ पे. ओके, हेयर भी सेम 3.5 है, पॉइंट हटा के टेन लिखा इसको, और इधर भी हमने पॉइंट हटा के इसको टेन कर दिया. ओके, सो वी आर गेटिंग दिस.
अब हमें इसको सॉल्व करना है. देन व्हाट विल वी गेट हियर, पाई 42 इंटू 42 अपॉन में 100 माइनस में 35 इंटू 35 अपॉन में 100. ओके नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, पाई का वैल्यू पुट करना है 22 बाय 7. 42 इंटू 42, 42 का स्क्वायर निकालना है. 42 का स्क्वायर आपका होता है 1764. ओके 1764 अपॉन 100 एंड 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225. नहीं भी पता है तो आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं अपॉन में 100. ओके सो 22 बाय 7 एलसीएम लिया 100, वी विल गेट हियर 1764 माइनस 1225. ओके देन व्हाट वी आर गेटिंग हियर, 22 बाय 7 सब्ट्रैक्शन किया 5539 अपॉन 100. ओके देन 22 बाय 7 इंटू में 539 अपॉन 100, ये 7 की टेबल से कट हो जाएगा. 7 7 7 7 49 प्लस 4 बचा 5 7 7 49, 77 हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स. देन व्हाट वी आर गेटिंग, जब हम इसे 22 इंटू 77 करेंगे वी विल गेट हियर 1694 अपॉन में 100. दैट मीन्स हमारे पास में कितना आ रहा है, 116.9 इज द एरिया ऑफ द पाथ. ओके दिस इज द एरिया ऑफ द पाथ. नाउ स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग कितना दिया स्टूडेंट्स, 1110 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. ओके 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया, 1110 रुपीज़ दिया है, 1110 रुपीज़. सो टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ विल बी व्हाट, 16.94, क्योंकि पूरा पार्क का जो पाथ का एरिया था वो कितना आया, 16.94 मीटर स्क्वायर आया. तो 16.94 में हम 1110 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट हियर अराउंड 16.94. वी विल गेट स्टूडेंट्स अराउंड 186.24 रुपीस विल बी द कॉस्ट. 186 पॉइंट आपका यहाँ नहीं लगेगा, पॉइंट यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे जीरो था. सो अप्रॉक्स आंसर विल बी 1862.34 रुपीस इज द आंसर. वन मोर टाइम आई विल चेक हियर 4 9 4 13. यस 1864. सो यू विल गेट अराउंड दिस. ओके सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ ऑफ अ सर्क्यूलर पाथ. ओके सो स्टूडेंट्स आर क्वेश्चन गेट कम्प्लीटेड हियर. नाउ मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द CBSE बोर्ड एग्जाम्स. ओके आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 विच इज दिस. अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड द माइनर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल. दिस क्वेश्चन ऑल्सो केम इन CBSE 2017 अकॉर्डिंग टू द RS AGGARWAL बुक. ओके सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स. ओके सो वॉट इज गिवन स्टूडेंट्स, वी आर गिवन विद अ सर्कल एंड PQ इज द वन ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल. दिस PQ कॉर्ड makes an angle of 60 degree, makes an angle of 60 degree at the center of the circle. Okay, it is given and the radius of the circle is also given, which is 10 centimeter. 10 centimeter is the radius of the circle. Okay, now students we have to find out the major segment ka area, hume find out karna hai and minor segment ka. This will be the minor segment. सो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है एज वेल एज ऑफ मेजर सेगमेंट. ओके सो स्टूडेंट्स वी विल अप्लाई हियर द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज वॉट,
पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. सो पाई इज व्हाट 22/7 आर. आर इज गिवन 10 10. सो 10 into 10 अपॉन 360 इंटू थीटा. थीटा इज व्हाट 60 degree. ओके 60 degree हमें डिग्री एरिया दिया हुआ था. 1/2 आर स्क्वायर इट इज अगेन 10 into 10 एंड साइन 60 degree. ओके सो व्हाट वी आर गेटिंग स्टूडेंट्स हियर, इसे हम कट कर लेते हैं. 6 6 6 6 36. वी विल गेट हियर 11 10 10. वी विल गेट हियर 1100 अपॉन 7 7 3 21. ओके सो 21 माइनस में 2 5 10 एंड 50 एंड साइन 60 इज व्हाट अंडर रूट 3/2. सो अराउंड वी विल गेट हियर 1100 अपॉन 21 माइनस में 50. यहाँ आपको अंडर रूट 3 का वैल्यू पुट अप करना है. 1.732 अपॉन 2 ये 25 हो जाएगा. ओके देन स्टूडेंट्स approximately when you will calculate it 1100 minus में 25 into 1.732 upon 21 you will get here 190.7. आप इसे solve करिएगा. ओके 190.7 upon 21 you will get. ओके सो when you will divide it you will get here 9.08. ओके दिस इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट का ये एरिया था स्क्वायर यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके सो दिस इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑल्सो. ओके सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम किस तरीके से निकालेंगे. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. सो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जब हमें माइनर सेगमेंट का एरिया पता है तो इस पूरे कंप्लीट सर्कल के एरिया में से यदि हम माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. मेजर सेगमेंट कौन सा है, ये पूरा कंप्लीट आपका मेजर सेगमेंट है. माइनर सेगमेंट को छोड़ के जो आपका सर्कल बचा है वो कौन सा आपका मेजर सेगमेंट है. सो मेजर सेगमेंट का हम एरिया किस तरीके से निकालेंगे. पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. माइनर सेगमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन पाई आर स्क्वायर डेट मीन्स 22/7 आर स्क्वायर मतलब 10 into 10 एंड माइनर सेगमेंट का एरिया हमने कितना निकाला अभी 9.08 निकाला है. ओके जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. ओके 22.7 इज 3.1428 समथिंग आता है 22/7 का वैल्यू इंटू में 100 माइनस में 9.08. आप इसे अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करिए दैट यू स्टूडेंट्स यू विल गेट अराउंड 305.8. इस टाइप से आपका समथिंग इतना एरिया आपका मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. ओके सो स्टूडेंट्स हियर आवर क्वेश्चन गेट कंप्लीटेड. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू लाइक माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. स्टे कनेक्टेड विथ अस. थैंक यू वेरी मच.